मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का उनके भाषणों को वो सुने। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, चिराग पासवान के साथ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो किसी और खुदगर्ज इंसान के साथ क्या होता तो आज जो है मोदी जी के साथ नहीं होते। चिराग पासवान जिस तरीका से मोदी के हनुमान बने फिर रहे हैं, उनके साथ क्या 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 नहीं किया है बीजेपी, पहले तो पार्टी तोड़वाया, परिवार तोड़वाया, उसके बावजूद भी हनुमान बने फिर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामलाल जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझें। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, दंगाई पार्टी है, इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था, तो ये सब लोग जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना, वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। बीजेपी के मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है, ये यथार्थ है, सच्चाई है। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आँख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आँख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं, 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए बीजेपी के, आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं तो सम्राट जी नाराज, सम्राट चौधरी को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो आपने सुना चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दे दिया, और कहा है कि देखिए, चिराग पासवान अगर खुद गर्ज आदमी होते
तो इस तरह का काम वो नहीं करते, वो मोदी के हनुमान बने नहीं फिरते। उनके साथ उनके पिता का मूर्ति तोड़वाया, उनके परिवार को तोड़वाया, पार्टी को तोड़वाया, इतना करने के बावजूद भी अगर वो मोदी के हनुमान बने फिर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वहीं पर चुनावी माहौल को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए इस बार जो है मोदी का सफाया होना तय है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।